तो अब उस तरफ आते हैं जिसके लिए हमने मेन वर्कशॉप जो है मेन रखना चाहते थे, और वो था वीडियो एडिटिंग। इसमें ये ध्यान में रखें कि मैं आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहा, मैंने आपको सॉफ्टवेयर की बात चीज़ें मैं बताऊंगा जब हम फाइनल प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप सबको आता है। असल चीज़ जो सीखने वाली है वो है थ्योरी, कि एडिटिंग के पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा होना चाहिए जब आप एडिटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी हो, इवन विंडोज़ मूवी मेकर भी आपके कंप्यूटर पर लगा हुआ है ना, उससे भी आप एक बेहतरीन स्टोरी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डज नॉट मैटर, वो फिल्मोरा गो आपने लगाया हुआ अपने मोबाइल पे। मैं अपने बच्चों के, अगर आप कभी देखें तो मैं अपने बच्चों की वीडियोस बनाता हूँ जब हम कहीं पार्टी कहीं जाते हैं ना सैर सूर करने, वो उसी दिन रात को बैठ के अपने मोबाइल पे मैं एडिट करके तो अपलोड कर देता हूँ। अपने फैमिली वगैरह के लिए प्राइवेट लिंक्स रख के ना तो मैं दे देता हूँ। तो सॉफ्टवेयर डजेंट मैटर, ठीक है? आपको 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 ये आपको अगर ये हो जाए जहन में आ जाए कि हमने इसके पीछे थ्योरी क्या है, तो आप किसी जगह पे किसी भी सिचुएशन में किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के जो है वो आप दिखा सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो एडिटिंग, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं, तो वीडियो एडिटिंग शुरू हुई है फिल्म से। तो फिल्म के ज़माने में क्या होता था, फिल्म के ज़माने में होता था कि इस तरह की फिल्म होती थी, ठीक है, और उसमें जो एडिटर था वो एक्चुअली सीन्स को काटता था, जिसे आप कहते हैं ना कट, उसका मतलब है वो एक्चुअली फिल्म को काटता था और दो फिल्मों को साथ जोड़ता था और उनको ग्लू ग्लू से जोड़ देता था फिर, तो इस तरह से एक कट लगता था, वहाँ से ये लफ्ज़ आया है कट, ठीक है। तो एडिटिंग जो है वो क्या है, बेसिकली रॉ फुटेज को लेके, जिसको अभी अनटच्ड है, अभी अभी रिकॉर्ड होके आई है, उसमें से ऐसी चीज़ें निकाल दें जो गैर ज़रूरी हैं, ठीक है, जो आपकी स्टोरी के लिए अननेसेसरी हैं, गैर ज़रूरी हैं, जो उसको आगे नहीं लेके जाती, उन चीज़ों को आप निकाल दें और उनको इस तरीके से आप कट्स को आपस में जोड़ें कि लगे कि एक मुसलसल चीज़ जो है वो चल रही है, उसमें जंप्स नहीं है, वो अब्रप्ट नहीं है, उसमें ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो एकदम आप चौंक जाएं कि ये क्या, ये चीज़ यहाँ क्यों आ गई है। कोहेरेंटली कंटिन्यूसली एक चीज़ को प्रेजेंट करना, वो बेसिकली एडिटिंग है, फिजिकली जो एडिटिंग आप करते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस दिमाग में क्या चलता है, बेस्ट जो आर्ट होता है ना दुनिया में, वो पता भी नहीं चलता कि आप आर्ट देख रहे हैं। और एडिटिंग में बेसिकली बेस्ट एडिटिंग वो होती है जो इनविजिबल हो, आपको पता ही ना लगे कि एक सीन से दूसरा सीन आ गया, आप उसकी स्टोरी में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि एक सीन से दूसरा सीन आ जाए, आपको पता ही ना लगे कि कट लगा है। दैट इज़ द बेस्ट एडिटिंग। बेस्ट एडिटिंग कभी नज़र नहीं आती। अगर एडिटिंग नज़र आ रही है, अगर एक कट आपने लगाया और वो आपको नज़र आया, आपको फील हुआ है कि ये कट है, तो वो कट गलत है, कट नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। लोग फुटेज देखते हैं, कहते हैं बड़ा खूबसूरत सीन है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी हुई भी है। इसकी वजह यह कि वो एडिटिंग इतनी अच्छी होती है कि वो नज़र ही नहीं आती, ठीक है। तो बेसिक एडिटिंग की ये बात है जो जहन में रखनी है कि एडिटिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। हमें वो जो शादी की वीडियोस जो पुरानी हैं, अगर आप देखें जो यहाँ से लेते हैं, वो हमें क्यों बुरी लगती हैं, क्योंकि उसमें होती एडिटिंग नज़र आ रही होती है, इधर से फूल आ गया, इधर से ये आ गया, उधर से वो आ गया, उधर से तस्वीर आ गई। अगर आप 80s के ज़माने की या 90s के ज़माने की शादी की वीडियोस देखें ना, तो उसमें होता ही यही है, और वो चूँकि एडिटिंग नज़र आ रही है और एक्चुअल चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो वो हमें उतनी बुरी लगती है कि कोई भी नहीं देखता वो, और वो 3-3 घंटे की वीडियोस होती हैं और कोई नहीं देखता उनको। लेकिन अगर 15 मिनट का पीस शादी के इवेंट ही है, अगर उसका भी 15 मिनट का एक कोहेरेंट पीस हो जिसमें हर चीज़ आ जाए और अच्छे तरीके से प्रोग्रेशन चल रहा हो, तो वो सारे देख लेते हैं बैठ के, क्योंकि उनकी मेमोरी उससे ताज़ा होती है, उनको मज़ा आता है वो देखने में। तो बेसिकली एडिटिंग स्टोरी टेलिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है,
हम जिस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं स्क्रीन पे, अगर आप उस चीज़ को उसी तरह से डुप्लीकेट कर दें एडिटिंग के ज़रिए, सीन तो लेदा लेदा है ना, उनको अगर आप अच्छे तरीके से डुप्लीकेट कर देते हैं तो आपको लगता है कि जैसे हम उस असल चीज़ को देख लिए, हमने वो असल चीज़ देख ली, हमने वो चीज़ असल में देख ली। तो बेसिकली एडिटिंग, जितनी अच्छी एडिटिंग होगी उससे उतना ही ज़्यादा वो मैसेज कन्वे होगा। तो इस वजह से हम एडिटिंग को स्किल से ज़्यादा आर्ट कहते हैं। स्किल तो है ना, आपको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर चलाना आता है, कट लगाना आता है, सबको आता है, ठीक है, लेकिन आर्ट वो आर्ट वो चीज़ उस वक्त बन जाती है जिस वक्त आप उसमें उसके ज़रिए आप उसके ज़रिए इल्यूजन्स पैदा कर सकें, आप उसके ज़रिए जो है ऐसी चीज़ें पैदा कर सकें जो उस शॉट में ना भी हो बेशक, लेकिन वो एडिटिंग इस तरीके से हो कि आपको, जैसे कल हमने एक सीन देखा था जिसमें औरत जो है वो निकाल रही थी चाबियां, ठीक है, और वो उस एक शॉट में बार बार वो ऐसे करके देखती है और सामने शेडोज नज़र आते हैं और एक शेडो जैसे कोई अंदर आने लगा लेकिन कोई नहीं आया। वो ये एडिटिंग का कमाल था कि उससे जो सस्पेंस उसने पैदा किया कि उसने वो चाबी निकाली है और इल्यूजन है, अब असल में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, वो शॉट्स तो लेदर लेदर शॉट्स हैं, लेकिन वो एडिटिंग की वजह से आपको वो इल्यूजन फील हो रहा था, एडिटिंग की वजह से वो आपको जो सस्पेंस था उसमें, जो खौफ था कि कोई आ ना जाए, वो एडिटिंग की वजह से पैदा हो रहा था। तो ये एडिटिंग है, इसके ज़रिए आप इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो एडिटिंग जो है वो बेसिकली स्टोरी टेलिंग का फाइनल स्टेज नहीं है, एडिटिंग स्टोरी टेलिंग का पहला स्टेज है। वो ऐसे कि जब आप एक प्रोग्राम कंसीव करते हैं, जब आप एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, तो यू शूट फॉर द एडिट। व्हेन यू शूट द समथिंग, जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो आप एडिट के लिए शूट करते हैं, आप सोचते हैं बेशक एडिटर कोई और हो, लेकिन जो शूटर है, जो कैमरामैन है, उसको भी पता होना चाहिए कि भई ये फ्लो ऐसे बनेगा। वो एडिटर के सामने जब चीज़ आती है उसको फ्लो में चीज़ मिलती है और वो उससे फिर सीन बनाता है, ठीक है। तो एडिटिंग स्टार्ट हो जाती है जिस वक्त आप पेपर पे काम शुरू कर रहे होते हैं, जिस वक्त आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। इस वजह से मैं कहता होता हूँ कि स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले की तरह लिखा करें कि अब ये चीज़ आएगी, अब हम यहाँ ये दिखाएंगे। हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें हम बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ ये दिखाएंगे, यहाँ ये दिखाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम शूट करते हैं, टाइम बचता है। रैंडम शूट करोगे आप, आपको नहीं पता कि तालीम की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, कोई कॉलेज दिखाना है, आपके सामने स्क्रिप्ट नहीं है और आपको नहीं पता कि क्या है, आप जाके रैंडम शॉट्स लेके आ गए। अब स्क्रिप्ट में शॉट है कि जी उनका किचन दिखाना है, किचन का तो शॉट ही हमने लिया ही नहीं, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आप कैसे फोरसी कर सकते हैं कि अगले की क्या रिक्वायरमेंट होगी जब आपके सामने स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो स्क्रिप्ट से काम शुरू होता है और स्क्रिप्ट से एडिटिंग शुरू होती है। स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हो और उसमें उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हों कि ये शॉट हैं, उससे आपका टाइम बचेगा, बजाय इसके कि आप पूरा दिन लगा के तायर आर्ट इंस्टीट्यूट को कवर करें। आपको पता है मुझे ये 6 शॉट चाहिए, आप जाते हैं 2 घंटे में शॉट लेके आ जाते हैं, आपका भी टाइम बचता है, रिसोर्सेज भी खर्च हो रहे हैं ना आपके। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें पता नहीं चलता कि किसी चीज़ के ऊपर कितने रिसोर्सेज लगते हैं। बाहर की दुनिया में तो 8-8 घंटे के शिफ्ट के 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, कैमरे रेंट करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम चूंकि इन हाउस हैं तो हमें फील नहीं होता कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी हमारा टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो बेसिकली एडिटिंग की जो बेसिक सिंपलेस्ट तरीन डेफिनेशन है वो है सिलेक्शन, सीन्स की सिलेक्शन, अरेंजमेंट, उनको अरेंज करना, और टाइमिंग, उनकी टाइमिंग, कौन सा सीन कब आएगा, और उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, ये लो जी फाइनल फाइल। ये है एडिटिंग इन अ नटशेल, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एडिटिंग क्या है, उसके जो एक्शंस आपने लेने हैं वो क्या है।
तो इस वजह से जो एडिटर्स हैं वो, और जो कैमरामैन हैं या जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इंसान है जिन्होंने प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, उनके लिए शॉट्स, साउंड्स, उनकी टाइमिंग, उनकी अरेंजमेंट, उनकी फ्रेमिंग, उनकी कंपोजिशन, सब चीज़ उनकी थिंकिंग का हिस्सा होना चाहिए। जब आपने कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना स्क्रिप्ट आ जाएगा, नरेशन लगा देंगे और एडिटर को कहेंगे जनाब ढूंढ ढांड के चीज़ें लगाई जाओ, और एडिटर का दिमाग फट जाएगा कि मैंने यहाँ क्या लगाना है, क्योंकि फिक्रा होगा जो जिसको दिखाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैं एडिटर हूँ, मेरे पेंट अप एंगर है मेरे अंदर पिछले 15 साल की क्योंकि हम नॉर्मली यही करते हैं, स्क्रिप्ट लिख के एडिटर को पकड़ा देते हैं, करो भाई, और एडिटर जो उसकी इस्तेदाद होती है वो कर लेता है। लेकिन अगर हर बंदा इस तरह से सोच रहा हो तो जो चीज़ मिलेगी एंड में वो उससे लाख गुना अच्छी होगी जो हम प्रोडक्शन अब दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़। अभी असलाम साहब की डॉक्यूमेंट्री देख के आए, उसमें एक जगह पे शफीक साहब ने वो सीन नोट किया था, हाथ वाला सीन, जिस पर वो पीस की बात कर रहे हैं, डॉक्टर असलाम किसी से हाथ मिला रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, भुट्टो से हाथ मिला रहे हैं और वहाँ कोई पीस की बात हो रही है, तो वो इतनी बड़ी तस्वीर है, उसमें से उसने फोकस करके सिर्फ वो हाथ दिखाया, उसने उसको फोकस किया। फिर उससे किसी ने पूछा कि जी आपने साइंस नहीं दिखाई इसमें, डॉक्टर सलाम की डॉक्यूमेंट्री और इसमें साइंस ही नहीं है। उसने कहा कि भाई जन बात यह कि हमने फोकस ग्रुप्स बनाए थे जिन पे हमने 20 मिनट का पूरा सेगमेंट आया जिसमें डॉक्टर सलाम की साइंस दिखाई है, लेकिन जब वो साइंस दिखा के हम डॉक्यूमेंट्री से उठते हैं तो लोग डॉक्टर सलाम की सेक्रीफाइस या उनके साथ जो बुरा किया गया उसके बजाय ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हिग्स बोसॉन क्या होता है, वो दूसरी तरफ चली जाती डॉक्यूमेंट्री। इतना माइन्यूटली उस चीज़ को सोच के, एक एक चीज़ का ख्याल के, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑडियंस के ऊपर। एक जगह जहाँ पे एक डॉक्टर अब्दुलसलाम का सीन है जिसमें डॉक्टर अब्दुलसलाम इंडिया कहीं गए हैं मेरे ख्याल में, और वहाँ पे अपने उस उस्ताद से मिले हैं जो उनका टीचर था बचपन में या कॉलेज में था, कब था वो, कॉलेज का टीचर था, हिंदू था वो, और डॉक्टर अब्दुलसलाम ने जाके मेडल उसके हाथ में रख दिया और उनका कि आपका है अपना नोबेल प्राइज़ जो है, और वो इंतहाई इमोशनल सीन है। मुझे पीछे से हिचकों की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी थी लेकिन आई थी पीछे से आवाज़, इतना इमोशनल सीन है वो। और वहाँ पे बाद में डायरेक्टर ने बताया कि मैं यहाँ पे चाहता था कि इस बंदे का नाम दूँ, लेकिन मैंने इस बंदे का नाम यहाँ नहीं दिया इस वजह से कि सबने नाम पढ़ना शुरू कर देना, वो इमोशनल सीन तबाह हो जाना था। ठीक है, तो इतनी डिटेल में एक एक चीज़ पर लोग सोचते हैं, एक एक चीज़, मैंने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना उसका मकसद होना चाहिए, कोई एम ही नहीं आना चाहिए। और वो जब इस तरह से सोचते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री आप देखें वो बहुत आगे जाएगी डॉक्यूमेंट्री, उसने 5 अवार्ड अब तक वो ले चुकी है। तो शॉट, साउंड, टाइमिंग, अरेंजमेंट, फ्रेमिंग, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, अभी रिसेंटली जो हम जिस चीज़ में से हम गुजर के आए हैं उसमें हम सब कुछ देख चुके हैं। और अब ये आप हर एक के ज़ेर में होना चाहिए जिस वक्त आपने कुछ शूट करना है। हमारा नौयत फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम और तरह के हैं, हम दुनियावी प्रोग्राम नहीं बनाते, सारी चीज़ें एक साइड पे, लेकिन ये टेक्निक्स हम बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारा काम बेहतर होगा, हर एक में आप में से हर एक का काम बेहतर होगा। ये पहले भी हमने बात की थी कट के बारे में, हमने शॉट की जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि हर शॉट जो है वो मीनिंगलेस होता है जब तक उससे पहला और अगला शॉट नहीं लगता, पहला शॉट और उससे अगला शॉट मीनिंग लेके आता है। तो एवरी सीन जो है वो उसका रिलेशनशिप होता है कम से कम एक या दो शॉट्स के साथ, यानी एक पहले और एक बाद में या उससे बाद में, तब एक स्टोरी जो है वो डेवलप होती है। अब पहले हम बात कर रहे थे शॉट्स की, अब हम बात करें सीन्स की। सीन्स में एक से ज़्यादा शॉट भी हो सकते हैं, ठीक है, एक सीन जिसमें कुछ हुआ है
अब मैं स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में तो था ना कि एक शॉर्ट से पहले और दूसरा शॉर्ट जो है वो आपकी कोई स्टोरी बताता है, लेकिन सीन में आपने वो बना लिया, एक सीन वो तो आपने सीन बना लिया ना, एक शॉट पहला और एक बाद वाला, आपने एक सीन बना लिया, लेकिन सीन भी पहले और आखिरी सीन के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है? जो आपने सीक्वेंस बनाया है वो भी पहले सीन, उससे पहले क्या हो रहा था और उसके बाद क्या हो रहा है, वो उसकी वजह से स्टोरी जो है वो फॉरवर्ड चलती है। नॉर्मली ट्रांजिशंस जो हैं नॉर्मली एडिटिंग में इस्तेमाल नहीं होती। कैसी जीप बात है ना, इतना 10,000 ट्रांजिशन उन्होंने दी हुई हैं प्रीमियर में और उसमें, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन ट्रांजिशन कट है, सिंपल कट, दो शॉट्स एक के बाद दूसरा, क्योंकि दैट इज़ द मिनिमम अटेंशन यू कैन गेट, यानी एडिटिंग की तरफ जो मबजूल कर दे या एडिटिंग की तरफ ध्यान चला जाए, वो कट से कम जो भी आप चीज़ करेंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे, वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, जो वीडियो में आप एक आर्टिफिशियल चीज़ लेके आ रहे हैं और वो जो है आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर देगी। लेकिन बाज़ जगह पर ट्रांजिशन इस्तेमाल होती हैं, मसलन आपने पैसेज ऑफ टाइम दिखाना है, एक शॉट है जिसमें एक बंदा रेलवे स्टेशन के बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप एक लॉन्ग डिसॉल्व लगाते हैं, लंबा डिसॉल्व है, 4 सेकंड का, 5-6 सेकंड का, और ट्रेन आ गई है, उसका मतलब है कि उसने बड़ा इंतज़ार किया है और ट्रेन आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन इस्तेमाल भी होती हैं एडिटिंग में, लेकिन हर चीज़ जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए। वही बात जो बार बार, एक वेल मेड कट जो है वो डिसेप्टिव होता है, एक वेल मेड जो ट्रांजिशन एक सीन से दूसरे सीन में वो डिसेप्टिवली सिंपल है कि पता ही नहीं लगता कि एक सीन से आप दूसरे सीन में चले गए। मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा। आप कट जो है वो बेसिकली अटेंशन को एक चीज़ से दूसरे पे लेके जाने का तरीका है। रियल वर्ल्ड में हम अपनी आँख, दिमाग की आँख से चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं। आप, मैं बात करता हूँ, आप मुझे देखते हैं, उसके बाद आपने उस तस्वीर को देखा है, आपने टाइमलाइन देखी है, आपने ये पढ़ा है, हर एक चीज़ को आपने अलग-अलग देखा है। इसी तरह आपका कट डेवलप होता है, इसी तरह आपकी सीन प्रोग्रेशन डेवलप होती है। कैमरा जो है वो ऑडियंस की आँख है, और हमने ये सोचना है कि अगर ये सीन एक बंदे देखे तो वो कैसे देखेगा। तो जब वो आप इस तरीके से शॉट लेने शुरू करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस बन जाएगा शॉट्स का। जैसे हमने एक उसकी मिसाल दी थी ट्रेन एयरपोर्ट की, कि पहले आपको एयरपोर्ट का वो नज़र आया, उसके बाद आप अंदर गए, उसके बाद आपने लोगों को देखा, उसके बाद आपने देखा कि दूर जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, और उसके बाद आपने करीब से बोर्ड पर दिखा दिया कि फ़्लाइट टाइम ये है, ठीक है। तो ये 4 शॉट्स में आपने एक स्टोरी बता दी कि बंदे ने दुबई जाना है, ये भी बता दिया आपने, और आपने एक ओवरऑल वो भी दिखा दिया। जो एडिटर है वो किसी सीन से भी किसी और सीन की तरफ जा सकता है, कोई भी डिटेल दिखा सकता है, ठीक है, और वो व्यूअर को एक एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देता है किसी चीज़ को भी देखने की जो वो दिखाना चाहता है एडिटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि हमने वीडियो को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, तो एडिटर जो है वो एक बर्ड्स आई व्यू से एकदम बंदे को जो है वो नीचे किसी चीज़ के ऊपर उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आता है। पहले बर्ड आई व्यू दिखा रहा था, जैसे हम ड्रोन शॉट दिखाते हैं, उसके बाद हम करीब से दिखाना शुरू कर देते हैं। ये एक एग्जांपल है एडिटिंग का। आप देखें कि कट लगाने वाले ने क्या किया। फास्ट एंड द फ्यूरियस का सीन, you
इस सीन में आपके ख्याल में कितने कट्स होंगे? कैन यू काउंट? मैंने तो काउंट नहीं, मैं तो नहीं कर सका. बाज़ दफ़ा एक एक सेकंड में 15-15 कट्स हैं. और कहाँ से कहाँ नहीं ले गया वो, इंजन के अंदर कंबस्शन से ले के कहाँ से कहाँ नहीं ले गया वो. और किसी जगह पे फ्लो टूटा आपका? किसी जगह कट नज़र आया? नहीं नज़र आया. यू आर लुकिंग एट द एक्शन एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एडिटिंग. दिस इज एडिटिंग, के फ्लो नहीं टूटता, कट नहीं टूटता, स्काई इज़ द लिमिट कि आप क्या दिखा सकते हैं. ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट शॉट है. एक सेंट्रल सेंट्रल स्पेस है जिसमें एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, और उसमें आप देखें कि उसमें कितने कट लगे हैं और उसने किस तरह से शॉट लिया है और क्या कैमरा मूवमेंट है. इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट. ब्यूटी है ये शॉट. कैसे मुझे क्या है ना, मुझे बारिल बड़ा मजे का लगता है क्योंकि इसमें उसने हैं इस नहीं सिंगल सोर्स लगता है ना, लेकिन हैं हाँ 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 बहुत खूबसूरत शॉट है. और उसने हर पर्सपेक्टिव दिखा दिया, बंदों को गोलियां लगते दिखाया, कारों को गोलियां लगते दिखाया, मकानों के साथ क्या हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें से पैलेट्स निकली हैं, और एक ही सर्कुलर मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं टूट रही. ब्यूटीफुल शॉट. तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि बेसिकली कट चूंकि अटेंशन एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे लेके जाते हैं, तो कट जो हैं ऑलवेज कट के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए. अगर आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम स्विचर पे बैठे होते हैं, हम सिर्फ इस वजह से फ्रेम चेंज कर देते हैं कि फ्रेम चेंज करना चाहिए यार, टाइम ज़्यादा हो गया है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम क्या है. अगर दो टॉकिंग हेड्स दो आपस में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप यही करेंगे. उसमें आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये कि कुछ अरसे के बाद आप फ्रेम चेंज कर देंगे. लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है, कोई और प्रोग्राम है जिसमें कंट्रोल है आपके पास कि आप स्क्रीन पर क्या दिखा सकते हैं, तो वहाँ उस सिचुएशन में हर कट के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए. अगर कट के पीछे रीज़न है तो वो सक्सेसफुल है, वो पता ही नहीं लगेगा कि कट लगा है. अगर बगैर रीज़न के कट है, हमेशा कट नज़र आएगा. जो पॉइंट जहाँ से कोई एक्शन शुरू होता है, एक शॉट ख़त्म होता है और एक नया शॉट शुरू होता है, उसको हम कहते हैं एडिट पॉइंट. किस जगह पे हमने शॉट ख़त्म करने और किस जगह से अगला शॉट हमने लेना है, दैट इज़ कॉल्ड एन एडिट पॉइंट. और जिस शॉट में भी एक्शन है उसमें एक आइडियल मोमेंट होता है एक्शन को स्टार्ट करने का, और आइडियल मोमेंट होता है एक्शन को ख़त्म करने का. और ये है आर्ट ऑफ एडिटिंग. दैट इज़ द थिंग दैट यू मस्ट लर्न, दैट आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न, के वो आइडियल पॉइंट जहाँ से आपने शॉट शुरू करना है और आइडियल पॉइंट जहाँ से शॉट ख़त्म करके आपने अगला शॉट शुरू करना है, वो क्या है? ये ही है एडिटिंग की गेम, नथिंग एल्स. कि वो पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से शॉट शुरू होना है और जहाँ ख़त्म होना है. केयरफुली क्लोजली एक्शन को ऑब्जर्व करें. एक्शन जो है वो खुद सजेस्ट करेगा कि मुझे कहाँ से काटो और मुझे कहाँ से लो. मूवमेंट जब आप बनाएंगे पहले और दूसरे शॉट के साथ, तो ऑटोमेटिकली एक्शन जो हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, वो आपको बताएगी कि एडिट पॉइंट कहाँ से लेना है और कहाँ कहाँ पर ख़त्म करना है. ये एक मास्टरी है एडिटिंग की. आप कहते हैं एडिटिंग सिखा दो, ये सीख ले. ये है बस, यही एडिटिंग है कि इन एंड आउट पॉइंट्स जो हैं आपने मेन जो है वो डिफाइन कर लेने, वो आप बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, ऑटोमेटिकली जो है वो. ये सीन है, एक माँ एक आदमी है
जो सरप्राइज होके एकदम ऊपर देखता है, ठीक है, और एक आदमी जो है वो गन निकालता है और गोली चला देता है कैमरे की तरफ। और अगर इसको रिवर्स कर, अगर इसको इसको देखें आप, तो क्या हुआ है, क्या क्या मतलब है? एक बंदे ने एकदम सरप्राइज में देखा और दूसरे ने कैमरे को रख के गोली चला दिया, क्या मतलब है? उसको गोली मार दी। इनको ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, एक आदमी जो है वो गन निकालता है और गोली चला देता है, और एक बंदा ऐसे करके ऊपर देखता है, क्या मतलब है? कहीं गोली चली है। सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से, सिर्फ दो सीन का ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग बदल गया बिल्कुल ही, ठीक है। एडिटर जो है वो दो शॉट्स के जरिए, मुख्तलिफ शॉट्स के जरिए एक ही चीज़ को मुख्तलिफ मीनिंग दे सकता है, ये एडिटर के पास कंट्रोल है। नंबर एक, लोग गाड़ी से जंप लगा रहे हैं। नंबर दो, गाड़ी को आग लगी है। नंबर तीन, बम फट गया, एक्सप्लोजन हो गया। इन तीन शॉट्स का ऑर्डर, पहला ऑर्डर, लोगों ने गाड़ी में से जंप लगाया, गाड़ी को आग लगी और गाड़ी फट गई। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, ये हुआ था ना, कि पहले जो है वो लोगों को पहले पता चल गया था गाड़ी फटने वाली है, उन्होंने गाड़ी से जंप लगा दी, आग लगी और एक्सप्लोजन हो गया। हम 3-1 कर देते हैं, 3-1 कर देते हैं, पहले धमाका हुआ है, फिर गाड़ी को आग लगी है और फिर लोगों ने जंप लगाई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुछ और था, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये था, ठीक है। 2-3-1 कर देते हैं, पहले जो है गाड़ी को आग लगी है, फिर धमाका हुआ है, फिर लोगों ने जंप लगाई है। आग और धमाके में फ़र्क पड़ गया, पहले धमाका हुआ था कि बाद में धमाका हुआ था। 2-1-3 कर देते हैं, कार को आग लगी, लोगों ने जंप लगा दिया, फिर धमाका हुआ। 3 शॉट्स 4 मीनिंग्स, सिर्फ सीक्वेंस चेंज करने की वजह से, शॉट्स का सीक्वेंस चेंज करने की वजह से। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी एडिटिंग, यानी कंटिन्यूटी के जरिए सीन की कंटिन्यूटी, कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की क्या कंटिन्यूटी है, उससे आप जो है वो मीनिंग चेंज कर सकते हैं। मैचिंग एक्शन कट और ओवरलैपिंग कट्स, दो तरह के कट्स जो आप लगा सकते हैं, एक मैचिंग एक्शन कट है, और आप इसके ज़रिए कि इसकी वजह से आप फ्लो बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक सिंगल कैमरा है, आपने उससे 2 शॉट लिए हैं, एक शॉट में आपने क्या किया है, वाइड फ्रेम लिया है, ठीक है, उसमें एक बंदा स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहा है, आपने वाइड फ्रेम लिया, उसमें वो ऐसे करके नीचे गया। अगले फ्रेम में आपने क्लोज शॉट लेते हैं और वो पानी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक जो सीक्वेंस ऑफ जो उसकी मूवमेंट का सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो कट फील नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे आपने कैमरा मूवमेंट चेंज कर दिया और इन दोनों शॉट्स के दरमियान कितना टाइम बदल गया, कितना टाइम गुजर गया, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ और मैंने बैट पकड़ा हुआ और मैं शॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, एक शॉट में मेरा बैट यहाँ तक आता है, उसके बाद आप क्लोजअप शॉट में चले जाते हैं और मेरा बैट यहाँ से आगे ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो वो जब आप कंटिन्यूसली आप वो शॉट देखेंगे, इन एंड आउट पॉइंट्स आपने प्रॉपरली डिफाइन किए होंगे, तो वो लगेगा कि मैंने ये किया। हो सकता है कि वो शॉट आपने 4 दिन पहले लिया हो, ठीक है, पता नहीं लगेगा। तो दैट इज़ कंटिन्यूटी और मैच्ड एक्शन या ओवरलैपिंग शॉट्स, यानी बेसिकली एक्शन जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, आपकी मूवमेंट जो है वो ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है। ये मैच्ड एक्शन शॉट की एक मिसाल है।
मैस्ट एक्शन शॉट ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का हो. अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो कोई एक चीज़ दिखाते हैं जो बिल्कुल मिलती जुलती है किसी दूसरी चीज़ से. गाड़ी का टायर चल रहा है और उसको वो अगला शॉट जो है वो किसी और चीज़ का होता है, लेकिन एग्जैक्टली उसी जगह पे कोई चीज़ टर्न कर रही होती है और आप एक सीन से दूसरे सीन में चले जाते हैं. आपकी मूवमेंट की कंटिन्यूटी नहीं टूटती, लेकिन आप एक चीज़ सीन से दूसरे सीन में चले जाते हैं. इसमें उसने यही किया ना, चाकू किया उसके बाद ऊपर किया तो कुछ और था. दैट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वट एवर ही वो शो करना चाह रहा था. जंप कट्स, जंप कट्स आप अपने फ़ायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे पैड़े तरीन दुनिया के शॉट भी हो सकते हैं. जंप कट वो कट है जिसमें आपका फ्रेम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फ्रेम एक ही जगह पे है, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो ड्रास्टिकली एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है. दैट देयर इज अ जंप, दरमियान के फ्रेम कहाँ गए, ठीक है. तो इंटरव्यूज़ में वो बहुत बुरा लगता है. दैट मीन्स इंटरव्यू में अगर आप जंप कट लगाते हैं, दैट मीन्स कि इस बंदे ने कोई बात की थी जो इसको पसंद नहीं आई, ये हमें सुनाना नहीं चाहते और ये बात निकाल दिए, ठीक है. तो इस वजह से, इसी वजह से बी रोल लेते हैं जंप कट से बचने के लिए. क्या आप वो बी रोल दिखाना शुरू करते हैं, नीचे से आप चेंज कर देते हैं और वो एक कंटिन्यूटी लगती है, पता नहीं लगता कि इसकी बात निकाल दी है. मकसद ही यही है. लेकिन अगर आपके पास बी रोल नहीं है तो जंप कट होगा. ठीक है, अगर जिसे कटिंग्स भी हम कहते हैं, इस ये एग्जांपल है कटिंग्स का कि अगर आपके पास जंप कट है कोई. अब इसमें जंप कट ये है कि वो उसने इस शॉट से एक वाइडर शॉट के ऊपर आना है, ठीक है, और वो एकदम आता है तो जंप फील होता है. अब वो नहीं चाहता कि ये जंप फील हो. इसी बंदे का एक वाइडर शॉट भी है जिसमें उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है या कुछ कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वो जंप फील हो. तो वो किस तरीके से उसको, उसने किस तरीके से उसको एडिट किया. Listen, I'm sorry to disturb you at work, but I'm not feeling very well today. And I was wondering if it might be possible for my sister to bring home any assignments for my classes that I might need. Have a nice day. Phone ka cut in diya usne. और उसके बाद वो वाइडर शॉट पे आ गया और आपको जंप फील नहीं हुआ. करीब हम नॉर्मली, मैं भी ये करता हूँ, आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि हमारे पास शॉट्स नहीं होते. और वो ये है कि हम क्या करते हैं कि जैसे तल्ला का प्रोग्राम है, हम एक 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 फ्रेम से मिर्ज़ा तल्ला के वाइड फ्रेम से क्लोजअप पे चले जाते हैं और वहाँ से जंप करके हम फिर वाइड पे चले जाते हैं और हम यही करते रहते हैं. लेकिन अगर इन बिटवीन कोई शॉट हो हमारे पास हर, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा स्मूथली जो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, स्मूथली जो है वो कट फील होगा. इसी तरह ये इसमें उसने यही किया कि कट को स्मूथ करने के लिए उसने एक इंसर्ट शॉट दिया बीच में. साउंड को एक सीन से दूसरे सीन में लेके जाने के लिए ट्रांजिशन के तौर पे इस्तेमाल कैसे किया. इस एग्जाम्पल में उसने ये दिखाया कि जो आने वाली साउंड है जो अगले सीन में आनी है वो पहले आनी शुरू हो जाती है और आप उस सीन में जाने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हैं कि अब आगे क्या आने वाला है. आपको पता है क्या आने वाला है क्योंकि आप उसकी साउंड आ रही है. तो ये ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पे उसने इस्तेमाल किया साउंड को, क्योंकि एडिटिंग जो है वो सिर्फ वीडियो की नहीं होती, एडिटिंग साउंड की भी होती है. आप साउंड भी, आपने वो किसी ने वॉच टावर ऑफ टर्की देखा, आपने देखा, आपने भी देखा वॉच टावर ऑफ टर्की है एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है. अगर आप वो देखें तो वो मेरा ख्याल है कि मैंने उससे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एडिटिंग ज़िंदगी में नहीं देखी. उसकी मैंने जाके मेकिंग पढ़ी कि उसने बनाया कैसा है. 1600 चार मिनट का पीस है वो, तीन मिनट का, 1600 सेपरेट साउंड एलिमेंट्स हैं उसमें. वीडियो तो जो है ही, छोटे छोटे शॉट जो हैं वो पता नहीं कितने हैं,
लेकिन 1604 मिनट के पीस में 1600 साउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो जैसे जैसे वीडियो चेंज होती है उसके हिसाब से साउंड भी चलती है. इट्स अ ब्यूटीफुल पीस. इसमें देखें पंखे को, देख रहा था वो लेटा हुआ, आवाज किसकी आ रही थी, हेलीकॉप्टर की, ठीक है. और उस हेलीकॉप्टर के शॉट से बेसिकली इट्स अ मूवी अबाउट के वॉर जो है वो एक आम आदमी को के साथ साइकोलॉजी के साथ क्या करती है, वो वॉर से निकल के आया है, ठीक है, या उसने वॉर में जाना है, व्हाटएवर. तो ये इस तरीके से आप साउंड को यूज़ कर सकते हैं. ये डिबेट के इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, अब तक आपको इसका जवाब पता चल गया होगा, कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं. इट डज नॉट मैटर कि आप क्या यूज कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर. आपको आपको स्विफ्ट अच्छी लगती है, आपको जो है वो होंडा अच्छा लगता है, आपको ये कल्टस अच्छी लगती है. मैटर ये करता है कि ड्राइव कौन कर रहा है. तो आप अगर फाइनल कट में काम करते हैं, आप उसमें ईज महसूस करते हैं, फाइनल कट में करें. अगर आप प्रीमियर प्रो में ईज महसूस करते हैं, प्रीमियर प्रो में करें. एंड रिजल्ट सेम है. अगर आपको टेक्निक आती है तो एंड रिजल्ट सेम है, एब्सोल्युटली सेम है. दोनों में सेम टूल्स हैं, सेम तरीके हैं, सेम. सिर्फ इसमें अगर आप इस चीज़ को पकड़ के यहाँ से पकड़ते हैं, इसमें इसको यहाँ से पकड़ते हैं, बस यही फ़र्क है. असल चीज़ है कि आपके पीछे जो हम पीछे जिस चीज़ में से होके आए हैं, अगर आपका उस पर ग्रैस्प है, आप इन एंड आउट पॉइंट सीख लेते हैं, आप कट के पीछे लॉजिक तलाश कर लेते हैं, और सबसे पहले जब आप प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त आप एडिटर के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं या एडिटिंग के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, तो आप जो है आपका प्रोग्राम जो है वो विनर है. आखिर में टाइमलाइन बेसिकली ऑडियो और वीडियो के ग्राफिकल डिपिक्शन है. बेसिकली कि जिस अगर आपने एक स्क्रीन पे ऑडियो और वीडियो को दिखाना है तो उसको आप टाइमलाइन की सूरत में दिखाते हैं. और ये बेसिकली जो नॉन लीनियर एडिटिंग है जो अब हम करते हैं, ये बहुत से तरीकों से उस एडिटिंग से बहुत मिलती है जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, जो कैंची काटते थे और आप दो सीन लगाते थे, उसमें भी फिल्म टेबल पर फिजिकली पड़ी होती थी, और इसमें फिल्म जो है वो आपके कंप्यूटर में की टेबल पे फिजिकली पड़ी हुई है. उसको यहाँ से पकड़ के पीछे रख दो, ये वाला सीन उठा के यहाँ रख दो, ये वाली ऑडियो उठा के यहाँ रख दो, ये वाली चीज़ उसके ऊपर लगा दो लिखा हुआ. वैसे ही वो करते थे, वैसे ही ये होता है. फ़र्क सिर्फ वो भी नॉन लीनियर एडिटिंग थी इन अ सेंस. ये भी नॉन लीनियर एडिटिंग है. बाद में जब दरमियान में जब टेलीविज़न आया था, जो कामरान साहब ने बहुत मुश्किल एडिटिंग की हुई है, दैट इज़ मैं नहीं कर सकता. वो उसमें क्या होता था कि VCR होते थे, वो लीनियर एडिटिंग थी. उसमें क्या था कि आपने एक टेप लगाई है, ठीक है, और दो VCR हैं, दो या तीन कितने होते थे, जितने मर्जी आपके, अमूमन तीन सोर्स होते ही थे, दो या तीन होते थे, ठीक है. अब एक रिकॉर्डिंग VCR है, एक पहले एक सोर्स वाला VCR है, एक और सोर्स वाला VCR है, और मुमकिन है एक और सोर्स वाला VCR है, ठीक है. और इन दो VCR में आपने अगले सीन क्यों किए हुए हैं, कि इसके बाद क्या आएगा इसमें, और यहाँ से आपने प्ले करना है, यहाँ से आपने रिकॉर्डिंग चलानी है, और फिर आपने जिस अगर टाइम आना है फिर इसको प्ले करना है, और वहाँ से उसको स्विच करना है, और ये सब कुछ लाइव हो रहा है. जो शाह साहब के प्रोग्राम्स हैं हमारी कायनात के, वो इस तरह बने हुए हैं, एंड दैट इज़ एक्सट्रीम. उसमें विजिलेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपका गलत हो गया, कोई कट गलत, कोई टेक गलत हो गया, तो फिर शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें वो ट्रैकिंग सी आ जाती थी, दोबारा से अगर लगाओ, या कम से कम कुछ देर पीछे जाना पड़ता था, ऐसे ही था ना, थोड़ा टाइम जाया होता था. तो ये तो ब्लेसिंग है. लीनियर नॉन लीनियर एडिटिंग जो है, ये तो एक, जिन लोगों ने लीनियर एडिटिंग की हुई है उनसे पूछो कि ये क्या है, कितनी आसानी है. हलवा
तो बेसिकली इसको टाइमलाइन एडिटिंग भी कहते हैं, नॉन लीनियर एडिटिंग कहा जाता था, अब चूंकि होती यही है इस वजह से हम इसको एडिटिंग कह देते हैं। अब हम नॉन लीनियर लीनियर के चक्कर में नहीं पड़ते क्योंकि अब लीनियर एडिटिंग होती नहीं है। ठीक है जी, जे कट्स और एल कट्स, ठीक है, इनमें से अक्सर आप में से अक्सर इनसे वाकफ हैं। अगर ऑडियो एक क्लिप की दूसरी क्लिप में से ख़त्म हो जाए और दूसरे की ऑडियो पहले आ जाए, ठीक है, ये बेसिकली इधर देखो ना, इस चीज़ को देखो तो फिर समझ आएगी। इस क्लिप की ऑडियो पहले आ गई है ना, तो ये क्या शेप बन रही है, एल बन रहा है कि जे बन रहा है, जे बन रहा है। और इसमें देखो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जे कट में द नेक्स्ट सीन, जो नेक्स्ट सीन है उसकी आवाज़ पहले आना शुरू हो जाती है और बाद में कट होता है, और एल कट में आपकी कट हो जाता है और आपके प्रीवियस सीन की आवाज़ अगले सीन में कंटिन्यू करती है। तो इस तरह से ये दोनों में फ़र्क है, एक में आवाज़ पहले आनी शुरू हो जाती है नेक्स्ट सीन की, और एक में आवाज़ कंटिन्यू रहती है प्रीवियस सीन की अगले में। ठीक है, जे एल कट की क्लियर है ना, बेसिकली इसके ज़रिए कंटिन्यूटी आप बनाते हैं, और ये 90% इस्तेमाल होते हैं। कोई भी कट जो होता है ना अमूमन वो जे या एल होता है। वो जे कट बनाने के लिए आप करते हैं, एक्सपेंड ऑडियो करके आप ऑडियो को पीछे लेके जा सकते हैं, एक्सपेंड ऑडियो करके आप ऑडियो को आगे लेके जा सकते हैं। आप इनके नामों के कंफ्यूजन में ना पड़े, आप सिर्फ ये देखें कि दो शॉट है ना, तो एक शॉट की आवाज़ या आपने आगे लेके जानी है या एक शॉट की आवाज़ पहले लेके आनी है, बस आप ये जहन में, आप इसको छोड़ दें, इसको क्या कहते हैं एल कट जे कट में, आप कन्फ्यूज हूँ। ठीक है, तो इसकी कन्फ्यूजन में ना पड़े, आप उसकी टेक्निक सीखें। टेक्निक ये है कि एक चीज़ की आवाज़ पहले आनी शुरू हो जाती है या एक चीज़ की आवाज़ आगे कंटिन्यू होती है। बेसिक एडिटिंग टिप्स, कट जो है वो आपकी स्टोरी को एडवांस करें, बगैर वजह के कट ना हो, सीन की रिदम के हिसाब से कट होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए सीन में, और कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए सीन में, उसकी मूवमेंट बरकरार रहनी चाहिए सीन में, कलर बरकरार रहना चाहिए सीन में। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने एक सीन लिया है, शॉट लिया है, उसके बाद किसी और कैमरे का शॉट लगा रहे हैं और दोनों में कलर मैचिंग नहीं हो रही, तो वो चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी ख़राब करेगी, कलर की कंटिन्यूटी ख़राब करेगी। लाइट सेम होनी चाहिए, लाइट की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, साउंड की कंटिन्यूटी, मसलन आप साउंड की कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसर्शन डालनी पड़ जाती हैं, बंदे ने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ कर दिया है, और आप जब वो दोबारा रिकॉर्ड करते हैं तो वो साउंड मैच नहीं करती, क्योंकि हर एक कमरे की एक एम्बियंस है ना, साउंड की एम्बियंस है। इस कमरे में एसी चल रहा है, ठीक है, इस कमरे की खास गूंज है, ठीक है, तो वो कम से कम उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि जब आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले या उसके बाद आप एक मिनट की रूम नॉइज़ रिकॉर्ड करते हैं। आप सिर्फ कैमरा चला के खामोशी के साथ उस एनवायरनमेंट की एक मिनट की रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ जगहों पे आपने अगर किसी चीज़ को कवर करना है, आपने बाद में बुलवाया है, या कुछ भी आपने, अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिसमें आपने साउंड की कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, तो वो रूम नॉइज़ की वजह से आप उस साउंड की कंटिन्यूटी बरकरार रख सकते हैं, तो आप उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकलते, शॉट चेंज भी कर देते हैं आप और वो आवाज़ वही आ रही है, तो आप अपने माइंड की, व्यूअर माइंड की आए में वो अभी उसी जगह पे ही है क्योंकि उस जगह की आवाज़ आ रही है। बी रोल्स लें, डिफरेंट एंगल से लें, सिर्फ प्रेजेंटर के ना लें, और भी चीज़ों के बी रोल्स लें, उस एनवायरनमेंट के बी रोल्स लें, ठीक है, हैंड जेस्चर शॉट लें, शॉट्स ऑफ एनवायरनमेंट लें, बायर ट्रीज, उसकी उस एनवायरनमेंट को आपने एस्टैब्लिशिंग शॉट तो दे दिया, लेकिन उसके अलावा भी तो है ना, उसके शॉट्स लें,
वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उस एनवायरनमेंट के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में ऑडियंस को और इन्वॉल्व करे, वो शॉट आपको लेने चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो बाद में आपने ही एडिट करते हुए आपने वो शॉट बीच में डालने हैं, वो आपका सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगा। जजाकल्ला जी। क्वेश्चंस? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मैं इसका के पर हैप्पी बड़ा बी शॉर्ट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितने ड्यूरेशन का होगा, ये जरा बता दें। मेरा ख्याल है कि कोई भी शॉट जो है ना वो 6 सेकंड से लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 6 सेकंड, और क्योंकि आपने आपने रजिस्टर करवाना है, जो आप बी शॉट में दिखा रहे हैं उसको भी तो रजिस्टर कराना है ना, तो 3-4 सेकंड इंसान को लगते हैं एक चीज़ को देख के, तो उसको समझने में कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मिनिमम 4 सेकंड से कम तो नहीं होना चाहिए, और 6 से ऊपर हो जाए तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्या ख्याल है? ये आपकी आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है। इसमें मेरा ख्याल है हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, लेकिन पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि 4 से 6 के दरमियान, वैसे आजकल स्टैंडर्ड क्या चल रहा है? ये 4 से 6 चल रहा 4 से 6 ही है आजकल। आपने वो एडिट देखी थी जो मैंने आपको दिखाई, वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली, उससे अंदाज़ा लगा लेने कि क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। शॉर्ट्स तो इतने तेज चल रहे हैं आपके, वो बस डिपेंड करता ना आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड आपके कर सब्जेक्ट। प्रोग्राम अगर आपका एक प्रोग्राम है जिसमें एक सॉफ्ट मेलो डिस्कशन चल रही है, उसमें 10 सेकंड का भी बी शॉर्ट कुछ नहीं कहेगा, उसमें तो एक्शन होता ही नहीं, नहीं होता। सॉफ्ट प्रोग्राम शॉर्ट्स लंबे होते हाँ, हैं। तो आप बी शॉर्ट अपने प्रोग्राम में लंबे दे सकते हैं, लेकिन इतना लंबे भी ना हो, इतना लंबा ना हो बी शॉर्ट कि आपकी डिस्कशन से दूर ले जाए। कटिंग्स दे सकते हैं, आपका बी शॉट आपको डिस्कशन से दूर ना लेके जाए, बस उस एनवायरनमेंट के और उस माइंडसेट के अंदर रखे जो बात हो रही है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो आप उस चीज़ को पेंटिंग दिखा रहे हैं आप, और आप अगला पेंटिंग देखना शुरू कर देता है तो शीज़ा कितनी खूबसूरत है, फिर गड़बड़। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल ठीक है, अभी रैली हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने पैन शॉट है बोर्ड लगा लिए। अब पैन शॉट जो है अगर राइट से लेफ्ट पे कर रहे हैं हम लोग पैन कर रहे हैं, ठीक है, मुसलसल, और उसी उसके बीच में अगर एकदम लेफ्ट से राइट आ जाता है तो वो एडजस्ट करने का क्या तरीका है, उसको किस तरह एडजस्ट करें? उसके दरमियान आपको कोई और शॉट देना पड़ेगा, वाइड अल्ट्रा वाइड शॉट दे के ना, कोई ओवरव्यू शॉट दे के, ताकि डायरेक्ट अब्रप्ट जंप ना है। आपके पास पैन शॉट है ना, तो आप अगर आपके पास वहाँ पे अगर वाइड पे कोई कैमरा लगा हुआ है तो आप 4 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए वाइड पे चले जाएं और उसके बाद उस पे आ जाएं, ड्रोन शॉट डाल दें आप डायरेक्ट जंप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन गलत हो जाएगी ना, वो जंप फील होगा। ये 180 रूल में आते हैं? 180 रूल में आते हैं, कल बताया था मैंने, मूवमेंट में पैन करते हुए मैंने आपको बताया था कि उस पे, हाँ, फुटबॉल की मिसाल दी थी। क्योंकि अगर एक स्क्रीन स्क्रीन डायरेक्शन बरकरार रहनी चाहिए तो फिर फील कट फील नहीं होता। और जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।